झारखंड का चुनाव संपन्न हो चुका है, एनडीए गठबंधन की जो का जो परफॉर्मेंस है इस बार काफ़ी निराशाजनक रहा है। वैसी परिस्थिति में झरिया सीट से भाजपा को विजय बनाने वाली रागिनी सिंह पिछले 10 सालों से लगातार क्षेत्र के में पब्लिक के बीच बनी रही, इस बार भारी मतों से लोगों ने इनको समर्थन दिया और ये विधानसभा में झरिया का प्रतिनिधित्व करेगी। सीधे जुड़ेंगे रागिनी सिंह से और जानेंगे जो झरिया, जो एक बहुत बड़ा ये कह सकते हैं आप जो मरता हुआ शहर के रूप में लोगों के बीच जाना जा रहा है, उसको बचाने में या उसको बेहतर बनाने में क्या इनका कुछ योगदान रहेगा। सबसे पहले तो TV45 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाई। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब सवाल वही, जनता ने इस बार आप पे विश्वास जताया है, बीजेपी का तो जो हाल पूरे राज्य में हुआ वो सब सबके सामने है, रागिनी सिंह और सिंह मेंशन पे लग रहा है जैसा थोड़ा ज़्यादा जनता का प्यार इस बार बढ़ा है, आपको आपका झरिया को लेकर क्या कुछ रहेगा, किस तरह झरिया के लोगों को आप विकास की ओर और आगे बढ़ाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो अपने झरिया परिवार को दिल से धन्यवाद, आभार, सबको प्रणाम करते हुए, क्योंकि बहुत उम्मीद और आशा से लोगों ने मेरे पर आस्था जताया है और ये चुनाव हम नहीं, पूरे झरिया परिवार चुनाव लड़ी है और निश्चित तौर से मेरे से लोग जो उम्मीद रखे हैं उसे कई दुगना बढ़ चढ़ के प्रयास रहेगा कि झरिया के हर एक समस्या वो हमारी समस्या रहेगी। और निश्चित तौर से हमारी सरकार नहीं है, ये लड़ाई जारी रहेगी, क्योंकि पिछले 5 साल हम अपने क्षेत्र में लड़ते रहे, ठीक उसी तरह अपने क्षेत्र के विकास के लिए विधानसभा में लड़ते रहेंगे। निश्चित रूप से यही अपेक्षा भी झरिया की जनता का है, लेकिन झरिया में 2-3 जो समस्याएं हैं, आप मजदूर संगठन से भी जुड़ी हुई हैं, आप देख रही हैं जो झरिया का जो हालात है, प्रदूषण से लोग परेशान हैं, जो BCCL का जो दायरा है, जो आउटसोर्सिंग जिस तरह बढ़ गया है, प्रदूषण से लोग परेशान हैं, बीमार पड़ रहे हैं लोग, स्वच्छ पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है, तो इस दिशा में आपकी ओर से क्या पहल होगा, चूँकि बीजेपी की सरकार केंद्र में है और कोल माइंस वगैरह जो हो बीजेपी के ही, सेंट्रल गवर्नमेंट और बीजेपी के हवाले से ही है। देखिए, कोयलडी क्षेत्र है और निश्चित तौर से जो मेरे कार्यकाल में बहुत सीमित आउटसोर्सिंग चल रहा था, जिसको कि इधर 5 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसमें 2-3 तो यहाँ के जनप्रतिनिधि का ही पिछले जो रहा, जो अभी 2-3 खुला है, और बहुत ज़्यादा आउटसोर्सिंग का बढ़ावा दे चुका, मतलब यूँ कहे तो बहुत ज़्यादा मनमानी चला 5 साल, लेकिन हमारे नेतृत्व में वैसा होने वाला नहीं है। ठीक है, कोयलडी क्षेत्र है, काम कोयला है तो लोग करेंगे ही, क्योंकि लोगों का रोज़गार भी ज़रूरी है, रोज़गार से लोग जुड़े हुए हैं तो पेट का सवाल है, लोग करेंगे ही, और वहाँ मजदूर भाई का ही बात है, मजदूरों का हक की लड़ाई हम लोग लड़ते रहे और सही हक मिले, स्थानीय को सही हक मिले। अब रह गया प्रदूषण का, तो प्रदूषण पर लगातार नियंत्रण रहे और हम लोग प्रयास रखेंगे, क्योंकि झरिया में लंबे समय से ये तो आप जान ही रहे हैं कि कोयलडी क्षेत्र है, ओपन माइन चल रहा है, जिसका कारण ये बहुत विकराल रूप है, इस पर हम लोग का पहल रहेगा और जो भी काम होगा सिस्टम से होगा, पानी पूरे साफ सफाई का ख्याल रखा जाएगा और जो भी आउटसोर्सिंग चल रहा है उनको ध्यान में रखना होगा कि पानी छिड़काव एकदम जरूरी है, ताकि धूल का और डस्ट का जो लोग झेल रहे हैं वो चीज़ थोड़ा कम हो। देखिए, पानी की समस्या तो हो गई, एक है जो भूधसान और आग अग्नि प्रभावित लोग अभी भी हैं अग्नि प्रभावित क्षेत्रों में, उनके पुनर्वास की गति भी बहुत मंथर है, बहुत मंथर है, और जिसमें कहा जा रहा है जो JRDA और सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसको सही से नहीं ले रही है, तो वैसी परिस्थिति में कैसे आप इसको लेकर, इस मुद्दे को लेकर आगे चलेंगे? नहीं, देखिए, जब भी हमारी सरकार रही और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, आप देखिए, बहुत स्मार्ट सिटी बनाने का ये निर्देश दिया गया था और हम लोग जब रहे तो देन है, विधायक जी का देन है कि मात्र 2200 घर विस्थापन हुए थे 15-20 सालों में, और आप देखिए कि 5 सालों में 20,000 लोग चले गए और 20,000 का लिस्ट बनकर तैयार था, जो लोग बताए नहीं थे झरिया के जनता को, छुपाया गया था,
तो सोचिए कि लोग झरिया में ध्यान नहीं था, तो अपने विकास में लोग लगे हुए थे, और आज लिस्ट बना। तो हम लोग का पहल ही था कि 20 सालों में हम लोग मात्र 2200 घर विस्तार, हम लोग का पहला प्राथमिकता कि लोगों का रोजगार। देखिए विस्थापन बहुत बड़ी मुद्दा तो है ही, लेकिन लोग वहाँ से जाते हैं तो घर दे देना बहुत बड़ा समस्या है, उनके साथ साथ रोजगार से जुड़े हुए लोग रहते हैं, रोजी रोटी का सवाल है, लोग जाना नहीं चाहते हैं। तो विधायक जी का यही कहना था कि भाई घर दिलवा दें और लोग भूखे मरे क्या फ़ायदा। तो हम लोग का पहले कि जो आस पास जगह है पहला प्राथमिकता रहती कि लोगों को हम लोग सुरक्षित जगह रखें, ये सही बात है। तो हम लोग झरिया के आसपास और झरिया के लोगों को झरिया में ही बसाया जाए, हम लोगों का सबसे पहला प्राथमिकता वही होता है। निश्चित रूप से ये बहुत ज़रूरी है। अब एक और इशू है, RSP कॉलेज का मामला चला, वो तो फिर डिगवाडिग के पास आ गया। आउटसोर्सिंग की जो बात कर रहे हैं, जो मजदूरों के हित की जो बात कही है, आपने कहा कि दूसरे कोई जनप्रतिनिधि थे जिनके कार्यकाल में आउटसोर्सिंग बढ़ा, लेकिन उनके द्वारा अभी भी कहा जा रहा है, कल कहीं एक आउटसोर्सिंग में घटना हुई जो मजदूरों के हित के लिए उनका संगठन काम कर रहा है। आपने 3 लाख पे फैसला कराया शायद किसी मजदूर के दुर्घटना का, और उनका कहना कि हमने 15 लाख तक दिलाया है। ये तो झरिया की जनता ही बताएगा कि वो आज से हम मेरे ही द्वारा 15 लाख और चेक और नौकरी मेरे संगठन और मेरे द्वारा ये लागू किया हुआ है, और मुझे लगता है किसी को जाने की भी जरूरत नहीं है, कंपनी घर पे पहुंचाती है, लोग राजनीति करते हैं घर वहां जाकर, और ये सब चीज़ दलाल लोग का कुछ आदत हो गया दलाली खाने का करने का। हम लोग मजदूरों का सही हक दिलाने का काम करते हैं। कल जो घटना घटी, चूँकि हम कुछ काम निजी कामों से बाहर गए थे, लेकिन फ़ोन पर लगातार हमारी बातें हुई, और जो सही नियोजन है उनके घर पे जाके पहुंचाया जाएगा। आप निफिक्र रहिए, जब तक हम हैं वहाँ मजदूरों के साथ या कोई भी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होगा। 5 साल जो लोग दंश झेले हैं वो दंश वहाँ लोग नहीं झेलेंगे, ये आपको पूरे विश्वास के साथ, झरिया की जनता के विश्वास के साथ मैं बोल सकती हूँ, और वहाँ की जनता पूरी विश्वास करती है। जो लोग बोल रहे हैं वो फर्जीबाजी में बोलते रहते, बोलने दीजिए, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा काम और सभी लोग देखे हैं 5 साल सत्ता में नहीं रहते हुए भी हम करके दिखाए हैं, लोग रह कर नहीं दिखाया, ये तो झरिया के जनता क्या पूरे झारखंड की जनता देखी है। तो जब करने का मौका था तब तो किया ही नहीं था, अब क्या करेगा लोग। तो मेरा लगातार कल का घटना घटी है, बहुत दुखद घटना है, किसी के साथ भी भगवान ऐसा ना करे, चूँकि अब लगातार ये घटनाएँ होती रहती है। देखिए अब चुनाव के ही दिन आप देखा जाए तो आधी रात को जिस तरह से हाईवे के चपेट में, या जिसका उसका भी जांच नहीं हुआ, हम तो उसका भी, तो चुनाव के दौरान भी एक बहुत बड़ी दुखद घटना घटी थी। तो ये तो सिलसिला हम देखते हैं लगातार होती रहती है, और जिस तरह से अनसिखी ड्राइवर लोग रहते हैं, नशे में रहते हैं, ये सब चीज़ तो उन्हीं के कार्यकाल में इस तरह से बढ़ावा दिया गया है, ना जांच होता है ना पड़ताल होता है, लगातार घटनाएं घटी है 5 साल में। तो अब हाईवे की चपेट में हमको लगता है कि हजारों के अनगिनत में लोग आए होंगे, तो लापरवाही का देन है। आप पर भी आरोप है, जो आपकी ओर से भी किसी आउटसोर्सिंग वाले को संरक्षण दिया जाता है, ये उन्हीं मेरे संरक्षण एक भी व्यक्ति नहीं बोल सकता है, क्योंकि मुखर होकर आप उदाहरण में बता सकते हैं कि आज 15 लाख और एक नौकरी और नियोजन ये मेरा लागू किया है पहला लर्न, 8 लाख का नियोजन जब लागू हुआ तो विधायक जी का, 6 लाख का नियोजन है तो माता कुंती जी का, और जो दलाल लोग थे सीधे पैकेट में रखते थे, गरीब लोग को 2 लाख 1.5 लाख दे के भगा देते थे। ये लागू करने के लिए कितना हम 24 घंटा यही बास्ता कोला में बैठे रहे, और लोग प्रयास करते रहा कि लागू ना हो, लेकिन हम कर दिखाए। और आप किसी को जाने के, हम तो बोलते हैं कि किसी को जाने की जरूरत नहीं है, परिवार को मिल जाएगा, लेकिन लोग दलाली में जाते हैं दिखाने के लिए जाते हैं। कल भी लोग दिखाने के, यहाँ सारा फैसला फ़ोन पे हो चुका है, लेकिन फिर भी लोग दिखाने के लिए बैठे, तो करने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम झरिया के जनता मेरा काम को देखा है, हमारे मजदूर भाई देखे हैं, हमारे व्यापारी भाई देखे हैं, हमको उनको हमको नहीं लगता है कि हमको माने कुछ दिखाने की जरूरत है, उनको मेरे पे विश्वास है और हमको उन पे विश्वास है। अब अंतिम सवाल आपसे, एक झरिया की जनता
अगले 5 सालों तक, चूंकि आप विपक्ष में हैं, तो झरिया की जनता के लिए क्या कुछ आपका विजन रहेगा? देखिए, झरिया में सबसे बड़ी समस्या है पानी की, वो मेरा पहला प्राथमिकता है कि पानी हम जन जन तक पहुँचाए। कल भी पानी जैसे ही मुझे पता चला कि 2 दिनों से, तो हम लगातार फ़ोन किए और पानी बिजली पे बहुत ही, जो हमको बोला था, कल तो थे नहीं लेकिन फिर भी हम बताए और पता चला कि 5 बजे आया। तो थोड़ा डीवीसी, और आप जान ही रहे हैं कि जो सरकार से हम लोग त्रस्त थे वही सरकार फिर मिल गया। तो हम तो बोले कि पिछला 5 साल हम क्षेत्र में लड़े निकम्बे जनप्रतिनिधियों के खिलाफ, और अब सरकार के और दो चीज़ों से लड़ रहे थे, सरकार और जनप्रतिनिधि। अब यहाँ अब क्षेत्र में अपने विकास के लिए सरकार से लड़ेंगे, तो दुख तो वही रह गया कि सरकार वही रहा, वही निकम्बापन चलेगा ही 5 साल, लेकिन हमारी प्रयास जारी रहेगी अपने क्षेत्र के विकास के लिए, वो हम कसर नहीं छोड़ेंगे। और जो झरिया में जरूरतमंद चीज़ है, चाहे पानी का है, बिजली का है, या अस्पताल का है, या स्वास्थ्य का, शिक्षा का है, या सबसे बड़ी समस्या वहाँ विस्थापन का है, उस पर सबसे ज़्यादा गंभीरता से काम करना है। और जो यहाँ रोड की बहुत बड़ी समस्या है, जो जगह जगह रोड जर्जर स्थिति में है, 5 साल में विकास हुआ नहीं है 5 साल में झरिया में, क्योंकि हम गली गली जाकर देखे हैं और इतनी घटिया मानसिकता से काम करने वाले लोगों का भी नहीं देखे, कि हम लोग भी पिछले बार काम किए हैं कि इतना दूर कांग्रेस है, इतना दूर भाजपा है, इतना दूर कांग्रेस है, इतना ऐसे घटिया मानसिकता कभी हम लोग काम नहीं किए थे। जनप्रतिनिधि हैं तो हम सबके लिए हैं, और बाकायदा सिस्टम से कहते हैं 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर अगर ढलाई करना है तो सबका करना है भाई, इसमें क्या भेदभाव रखना है। लेकिन लोग यहाँ इस सिस्टम से भी झरिया में काम हुआ है, तो वैसे ठेकेदारों पर भी हमें कार्रवाई करना है। तो ये झरिया की भाजपा विधायक रागिनी सिंह, स्पष्ट इनका जो 5 सालों का, जो अगले 5 सालों में इनके द्वारा क्या किया जाना है उसको इन्होंने प्राथमिकता से गिनवाया। एक बात इन्होंने जरूर कही कि पिछले जनप्रतिनिधि ने जिस तरह भाजपा कांग्रेस को अलग अलग नज़रों से देखा, वो इनके नज़र में सब समान है, झरिया की विधायक है, मतलब झरिया के रहने वाले सभी लोगों का ये प्रतिनिधित्व करेगी विधानसभा में। अब देखने वाली बात होगी कि अगले 5 साल तक इनको, चूंकि ये विपक्ष में रहेगी, लेकिन इनको कितनी मशक्कत करके झरिया वासियों के लिए, विकास के लिए, उनके विकास के लिए काम करना पड़ेगा और कितना सफल हो पाएगी, ये आने वाले देखने में देखने को मिल सकता है। TV45 के लिए धनबाद से सहयोगी गणेश के साथ अरुण बर्नवाल।